भी स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आपको भी इस वीडियो में इंटरेस्ट है और इस अगर आपको भी लगता है कि पैसों से पैसा कमाया जाता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों एक आम आदमी बिजनेस से पैसा कमाता है लेकिन एक बड़ा आदमी पैसों को बनाता है। आज के इस वीडियो में बताऊंगी पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है। एक आम आदमी सिर्फ पूरी जिंदगी पैसा कमाने में भाग दौड़ करता रहता है लेकिन कभी भी उस पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता है। नतीजा ये होता है कि आज भी उतना ही पैसा होता है जितना कि कल होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये संभव कैसे है। अगर हम सही जगह पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो पैसों से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो, अगर आप सही अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हो तो पैसों से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप छोटा सा बिजनेस लगा करके लाखों रुपये कमाना चाहते हो तो आप PVC बॉल का बिजनेस करके आप शुरू करके और इस प्रोडक्ट को बना करके लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों इस प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप एक छोटी सी छोटी केबिन से लेकर छोटी सी छोटी टॉयज़ की दुकान से लेकर आप बड़ी बड़ी जगह पर इस बॉल को आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप खुद भी इसकी मार्केटिंग करना चाहें तो आप खुद भी एक गाड़ी पर इस प्रकार की बॉल को बांध करके और हर एक गली में आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों पहले आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप देखते हो कि इन्वेस्टमेंट करने से आपको प्रॉफिट कहीं ज़्यादा होता है। आप सही जगह पर अपना पैसा लगाते हो। अगर आपको बिजनेस करने की लगन है, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को लगा करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अगर आपके यहाँ पर छोटा सा हॉल है, हॉल के अंदर अगर आप मशीन लगा करके उद्योग करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो महज 60 से 70 हज़ार रुपये आप लगा करके कुछ रॉ मटेरियल आप लेकर के और इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो मार्केट में जिसके सबसे ज़्यादा डिमांड हो, हर क्षेत्र में बिकने वाला प्रोडक्ट हो, हर एक जगह बिकने वाला प्रोडक्ट हो और बच्चों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो हर एक जगह बिकता है आसानी से। दोस्तों अगर हम इसके अंदर रॉ मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो आप अलग अलग कलर ले सकते हैं, क्योंकि जो बॉल होती है वो आप अलग अलग कलर में बना करके इसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर और रॉ मटेरियल की बात करें तो आपको अलग अलग कलर लेने होंगे, आपको केमिकल लेना होगा। इन प्रकार के रॉ मटेरियल से आप बॉल बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा इसके अंदर मशीन लगेगा और बहुत ही कम बजट का इन्वेस्टमेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वो सवाल है। डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।